एक सुकरे में बंद, मुझे रब ने किया बुलंद, है कतरा 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 एक समंदर हूँ। मोरखा 9 मार्च को कराची के मकामी होटल में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और महकमे तरक्की निस्वा सिंध की जानिब से एक डायलॉग का एहतमाम किया गया, जिसका उन्वान जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो था, यानी पायदार कल के लिए आज सिन्फी मसावात लाजमी है। ये डायलॉग खावतीन के आलमी दिन पे दुनिया भर में होने वाले डायलॉग्स की एक कड़ी था। दिस काइंड ऑफ इवेंट्स हैव बीन सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली इन सिंध we also organized this event and we all understood that without gender mainstreaming into all development programs and projects there is no way to achieve sustainable development there is a clear correlation between climate change and gender based violence migration health sexual reproductive health and family planning and also issues of sustainable development in the future मौसमियाती तब्दीली से मुतासर खवातीन की जहनी और तौलीदी सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात, पायदार मनसूबा बंदी के जरिए मौसमियाती तब्दीली के असरात से तहफ्फुज़ दिफा जैसे मौजूदात इस गुफ्तगू का हिस्सा थे। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हेल्थ पे ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है वो हेल्थ एंड वेल बीइंग पे आ रहा है, वो आपकी मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट है। आई नो दैट देर आर सम एनेडोटल एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो सम रिसर्च दैट इज सब्सटेंशिएटिंग के मेंटल हेल्थ पे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड बर्डन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ट्राइंग टू फीड योर हाउसहोल्ड्स इन अंडर फूड इनसिक्योरिटीज वाटर इनसिक्योरिटीज पॉवर्टी के जो एग्जैसिबेशन है उस पर आपका मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। टू बी वेरी फोकस्ड ऑन वेमेन एंड गर्ल्स द इम्पैक्ट ऑन देयर सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनकी जो तौलीदी सेहत पे इम्पैक्ट है, from the time there are young women to the times they are pregnant to post births, all of the complication, it's a cyclical process. We need to start thinking about climate change from a health perspective and it's really important to start doing it now because agar aap hamare indicators dekhe to bahut aisi cheeze nazar aa rahi hain ki jo aage aane wale waqt mein bahut zyada hamare liye ek prevalent aur significant issue banega। शुरका का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जो मंसूबे बनाए जाते हैं उनमें खावतीन को शामिल नहीं किया जाता, लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि इन पर नजरसानी करके खावतीन की आरा को भी शामिल किया जाए ताकि उनके लिए आसानियां पैदा की जा सकें। हम लोग ये नहीं सोचते या ये सवाल नहीं करते कि अगर क्लाइमेट चेंज से मसले मसाइल हो रहे हैं तो उससे औरतें खवातीन लड़कियां बच्चे बुज़ुर्ग लोग किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं, कैसे मुतासर होते हैं, और सबसे ज़्यादा वो मुतासर होती हैं क्योंकि सारा खेतों में काम भी वो कर रही होती हैं, घर को भी वो देख रही होती हैं। जब पानी लेने के लिए जाना होता है तो औरतों को इतने लंबे लंबे डिस्टेंस पे जाना होता है पानी लेने के लिए, बहुत मुश्किल हालात में जाती हैं, उनकी सेहत मुतासर होती है, उनके बच्चों की सेहत मुतासर होती है। घर के अंदर जब रिसोर्सेज की कमी होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से तो औरतें अपने आप को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी रख के सबसे पहले दूसरों का ख्याल रखती हैं। तो हमारे जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो औरतों की बात सुने सबसे पहले, जो हमारे गाँव की सतह पर मकामी सतह पर जो औरतें हैं उनसे पूछें कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें क्या करना ज़रूरी है और क्या मसले मसाइल हैं।